तो हेलो दोस्तों, हमारी कल्लों की टूट गई क्लच बार और हम जा रहे हैं क्लच बार चेंज कराने के लिए। तो स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। दीपक बाइक पर कपड़ा मार रहा है, मैंने उसे ड्यूटी दी है कि धक्का लगाकर वो जाएगा बाइक लेकर। और ये हमारी बाइक चमक चुकी है, हम इसे लेके जाएंगे मैकेनिक के पास। और दीपक को एक बहुत बुरी बीमारी है कि बात बात पर बाइक स्टार्ट करने का उसको बड़ा शौक है, चाहे क्लच बार टूटी ही क्यों ना हो। और इस बार जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट करी, मैंने उसे बोला, क्या बोला आओ सुनते हैं, क्योंकि वीडियो में आप सुनोगे। मैंने उसे बोला, पागल है क्या? अब हम पहुंच गए हैं मैकेनिक भैया के पास और मैकेनिक भैया की स्कूटी पर बैठकर हम चले आगे अपनी क्लच बार लेने के लिए। मैकेनिक भैया गाड़ी कई जगह ठोकने वाले थे और हम पहुंच गए, तो फाइनली पहुंच गए हम अपनी स्पेयर पार्ट की दुकान पर। ये हमारी क्लच बार जो हमें ख़रीदनी है। अंकल को मैंने बताया कि क्लच बार दीजिए इस दुकान पर, और उन्होंने फटाफट से मुझे क्लच बार निकाल कर दे भी दी। हाँ, अंकल को क्लच बार मिल गई। ये रही हमारी क्लच बार। क्लच बार ली, उसके बाद हम आए और हमने भैया को बोला इसे फटाफट से फिट कर दो। तो भैया ने हमारी क्लच बार फटाफट अच्छे से फिट कर दी है, आप देख लो। और उसके बाद क्लच अपने आप भी चलता है, मुझे पहली बार मालूम पड़ा। नीचे तार खींचने की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। अब हमने अपनी क्लच बार चेंज करा ली है, बाइक हमारी हो चुकी है बिल्कुल ठीक। अब बाइक ठीक होने के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई कि हमें मालूम पड़ा इसमें ख़त्म है पेट्रोल। भाई साहब, 3 लीटर रिजर्व पेट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि ये BS6 वाला मॉडल है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन होता है। तो अब क्या दीपक धक्का लगाकर इसे लेके जाएगा फिर से पेट्रोल पंप तक। ठीक है, क्लच बार टूटा हुआ था। क्लच बार बदलवाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें पेट्रोल भी ख़त्म है। तो अभी क्या कर रहा है दीपक, धक्का लगा के गाड़ी को लेके जा रहा है। चलते हम भी पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डलाते गाड़ी में। ठीक है, हंसराज कॉलेज है, हंसराज कॉलेज की सड़क पर है हम। ये पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप। फिर बैठ गया, थक गया, देखते मुंह दिखे मुंह दिखा। तभी कहते बेटा चलाओ तो ध्यान रखो। अब पेट्रोल टैंक नहीं मिल रहा। तो हमारी गाड़ी में सब कुछ ठीक हो चुका है, पेट्रोल बढ़ चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। वीडियो को इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ गलती लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।